नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि HIIT क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। आपने आजकल इस नाम को शायद काफ़ी बार सुन लिया होगा और नहीं सुना तो भी सुन लो क्योंकि काफ़ी बार सुनने में आएगा। फुल फॉर्म है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग HIIT, मतलब एच उठा लिया उठा लिया उठा लिया टी उठा लिया। तो ये क्या होता है, ये एक तरीके से एक एक्सरसाइज करने का तरीका है, कसरत करने का तरीका है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम कोई भी तरीके का जो कोई भी तरीके की जो कसरत कर रहे हैं उसको हम एक बार ज़्यादा इंटेंसिटी पे करेंगे कुछ देर के लिए, फिर हम कम इंटेंसिटी पे करेंगे या बिल्कुल रुक जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद हम ज़्यादा इंटेंसिटी पे करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद मतलब ज़्यादा इंटेंसिटी करके फिर कम इंटेंसिटी पे करेंगे या रुक जाएंगे। इंटेंसिटी क्या होती है मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उस वीडियो को मैं इस वीडियो में लिंक कर दूंगा इस वीडियो के आखिर में। जो एक बार इसको उदाहरण लेकर के अगर हम समझे तो मान लो दौड़ रहा हूँ मैं, तो मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि इंटेंसिटी मतलब ज़्यादा इंटेंसिटी से कोई भी कसरत को आप बहुत लंबे टाइम तक नहीं कर सकते। आप सोच रहे हो कि मैं एक घंटे तक एकदम अपनी एकदम तेज स्पीड में दौड़ूँ और जितनी मेरी एकदम फुल स्पीड में दौड़ूँ एक घंटे तक, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। ज़्यादा इंटेंसिटी की चीज़ें हम ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते। तो हाई इंटेंसिटी में क्या होता है कि जैसे मान लो दौड़ने का उदाहरण ले लिया, तो मान लो एक मिनट या 30 सेकेंड या 45 सेकेंड में अपनी एकदम फुल स्पीड में दौड़ा, फिर मैं या तो चलने लग गया या मैं रुक ही गया। फिर मान लो मैं एक मिनट के लिए चल रहा था या रुक गया, फिर वापस से मैं आधे मिनट या पौन मिनट मतलब 30 सेकेंड 45 सेकेंड या एक मिनट के लिए फिर से फुल स्पीड में दौड़ा, फिर मान लो 1-1.5 मिनट के लिए मैं चलने लग गया या रुक गया, फिर मैं फुल स्पीड में दौड़ा जितनी देर दौड़ सका या आधे मिनट एक मिनट जितना मैंने सोच रखा है जितना मैं दौड़ पा रहा हूँ अपना, और फिर मैं धीरे धीरे चलने लग गया। कहने का मतलब ये है कि कुछ देर के लिए आप बहुत तेज बहुत इंटेंसिटी पे कुछ करोगे, फिर कम इंटेंसिटी पे करोगे, फिर तेज इंटेंसिटी पे करोगे, फिर कम इंटेंसिटी पे करोगे। अब ऐसा नहीं है कि मैं 1 मिनट तेज दौड़ा तो मैं 10 मिनट तक चलने लग गया फिर 1 मिनट तेज दौड़ा, मतलब इसे जो हमारा रेस्ट है, रेस्ट क्या होता है मैं बात कर चुका हूँ, मतलब जो बीच में हम रेस्ट कर रहे हैं जिसमें हम कम इंटेंसिटी पे दौड़ रहे हैं उसे हम बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं करेंगे, और जो हम तेज इंटेंसिटी पे कर रहे हैं उसे हम बहुत ज़्यादा बड़ा कर नहीं सकते। मतलब आप 10 मिनट तक लगातार अपनी फुल स्पीड पे नहीं दौड़ सकते ना, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो भले ही आपको लग रहा होगा आप पूरी ताकत लगा करके दौड़ रहे हो लेकिन आपकी स्पीड कम हो जाएगी। जो लो इंटेंसिटी वाला टाइम होता है बीच में, आप 1-1.5-2 मिनट के लिए जो लो इंटेंसिटी पे आप रहते हो, उसमें मैं ये कहूँगा कि कई बार लोग होते हैं कि एकदम रुक जाते हैं, कई बार लोग होते हैं कि हल्का हल्का करते मतलब जैसे मान लो दौड़ने का ही हमने उदाहरण लिया है, तो या वो पैदल चलते रहेंगे या एकदम धीरे धीरे दौड़ते रहेंगे, और कुछ लोग होते हैं जो बीच में एकदम रुक जाएंगे। तो मैं कहूँगा कि आप दोनों तरीके से करो, मतलब जैसे 1 मिनट फुल स्पीड पर दौड़े तो अभी 1-1.5 मिनट चल लो, फिर 1 मिनट फुल स्पीड पर दौड़े, फिर 1-1.5 मिनट चल लो, फिर 1 मिनट फुल स्पीड पर दौड़े, तो अब आधे मिनट चल लो आधे मिनट रुक जाओ, फिर 1 मिनट फुल स्पीड पर दौड़े आधे मिनट चल लो आधे मिनट रुक जाओ। कहने का मतलब ये है कि एकदम तेज इंटेंसिटी से एकदम जीरो इंटेंसिटी पे भी नहीं आना चाहिए। हम एकदम तेज दौड़ते दौड़ते एकदम से रुक गए ये भी ठीक नहीं है, हमें धीरे 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 शरीर को मतलब दूसरी तरफ ले जाना चाहिए। मतलब अगर हाई इंटेंसिटी से लो इंटेंसिटी जा रहा है तो एकदम से दौड़ते दौड़ते एकदम से रुक गए ये भी ठीक नहीं है, पहले थोड़ा थोड़ा चलो 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 फिर रुक जाओ। ऐसे जो भी हाई इंटेंसिटी की चीज़ें होती है उनमें आप जैसे हमने आप मान लो ये जो दौड़ने वाली आपने करना था आपने 10-15 मिनट कर लिया, इससे ज़्यादा आप कर नहीं पा रहे क्योंकि आप बहुत तेज बहुत लंबा नहीं दौड़ सकते, भले आप बीच में रेस्ट भी ले रहे हो, तो आपने 10-15-20 मिनट कर लिया
उसके तो ये करके आप घर आ गए अपने, आप गए थे पार्क में दौड़ने, दौड़ के आप घर आ गए। वो तो उसके बावजूद उस टाइम पे जो आपने अपने शरीर में फैट खर्च किया है, जो चर्बी खर्च किया है, जो फैट बर्न किया है, उसके अलावा भी जो हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज होती है ना, वो करने के बाद में भी आपकी बॉडी से फैट बर्न करती रहती है, आपकी बॉडी से चर्बी कम करती रहती है, मतलब चर्बी ऊर्जा खाती रहती है, मतलब जो हाई इंटेंसिटी की चीज़ें ना, वो आपके शरीर से कसरत करने के बाद में भी काफ़ी घंटों तक ऊर्जा खाएगी। ऐसा रिसर्चेस कहती हैं कि 2 से 3 दिन तक वो आपका फैट बर्न करती है, लेकिन फिर भी आप मान सकते हो कम से कम 1-1.5 दिन तो करती ही है। मतलब आपको महसूस भी होगा कि आपको भूख ज़्यादा लग रही है, कुछ सिर्फ 20 मिनट में आप इतनी कैलोरीज नहीं खर्च करोगे कि आपको इतनी भूख लग जाए, आपको ज़्यादा भूख इसलिए लग रही होगी क्योंकि हाई इंटेंसिटी से आपकी बॉडी कसरत करने के बाद में भी काफ़ी घंटों तक फैट बर्न करती रहती है। और हाई इंटेंसिटी की चीज़ें जो सिर्फ दौड़ने में नहीं है, हो सकता है आप सीढ़ियाँ चढ़ के उतरना, एक बार तो आप एकदम दौड़ करके चढ़े और एक बार धीरे धीरे चढ़े, ये भी एक हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग में हो गया। या फिर कोई भी चीज़ जो एक बार आप बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से कर रहे हो और फिर एक बार कम इंटेंसिटी से कर रहे हो, या एकदम रुक ही गए। जैसे मैंने पहले आपको याद दिलाने का एग्जाम्पल दिया था, तो अगर मैं इसे भी एकदम तेज तेज हिला रहा हूँ और हाई इंटेंसिटी पे कर रहा हूँ और फिर मैं इसे धीरे धीरे हिला रहा हूँ, तो ये भी एक तरीके से हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग है, क्योंकि कुछ इंटरवल के लिए मैं इंटेंसिटी ज़्यादा रख रहा हूँ और कुछ इंटरवल के लिए मैं इंटेंसिटी कम रख रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ इतना सा हिस्सा है मेरे शरीर का, सिर्फ इतना सा हाथ हिला रहा हूँ मैं, तो ये कोई एक अच्छा तरीका नहीं है ना कसरत करने का। मैं यही अगर दौड़ रहा हूँ या सीढ़ियों पर भाग रहा हूँ या उछल रहा हूँ, तो मैं पूरे शरीर हिल रहा है ना मेरा, तो वो ज़्यादा अच्छी कसरत है ना। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर रहा हूँ, कोई कमेंट है तो कमेंट में लिख दो, कोई चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, मैं आपसे अगली वीडियो मिलूंगा। बाय।